हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। सॉरी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, बट मुझे ये वीडियो शूट करनी थी। और प्लीज़ थोड़ा ही बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना और मेरी बात को फोकस करना और ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो बहुत टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा नहीं आई हैव टू डू दिस। तो मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं आज ही बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ वेरी हाई टाइम। एज यू ऑल नो कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स पटना में, और मैं ऐसी ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, मतलब अपनी डेली लाइफ जितना भी आपको दिखाती रहती हूँ कि हाँ मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। क्योंकि या आप काफ़ी कनेक्टेड हो मुझसे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो से आपकी भी काफ़ी हेल्प होती है। जो भी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ सिलेक्शन लेता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ये जानना कैसा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। बट आप सबको पता ही होगा कि वो जो वीडियोस रहती है मेरी 10 से 12 मिनट रहती हैं, और मेरे पास पूरा 24 घंटा होता है पूरे दिन का, और 24 घंटे में से मैं आपको बस 10-15 मिनट ही दिखा पाती हूँ। तो आप सोच सकते हो कि 10-15 मिनट के अलावा मेरी लाइफ कुछ और है। सो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ थोड़ा मेरी यूट्यूब लाइफ से थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब जैसा आप सोचते हो ना कि ऐसा ऐसा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में चल रही होती है, जो आपको सोचना पड़ता है। सोच समझ के ये वीडियोस शूट करती हूँ, और आपको भी पता होगा कि मैं बहुत लिमिटेड वीडियोस बनाती हूँ हॉस्पिटल्स की, और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कराती हूँ आपको कि क्या है क्या है। इस वजह से मैंने आपको अपना डिपार्टमेंट या वर्क प्लेस भी नहीं बताया, मैं कहाँ अलॉटेड हूँ और मैं कहाँ काम कर रही हूँ, क्योंकि दीज आर द प्रोफेशनल थिंग्स। और मैं प्रोफेशनल और यूट्यूब को ऐसे मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरी कॉन्फिडेंशियल है। बट बहुत टाइम से या कुछ महीने पहले भी और रिसेंटली भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कुछ टाइम पहले भी और रिसेंटली में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मतलब जो यहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं, वो ढूंढते ढांढते मेरे वर्क प्लेस में आ गए और मेरा नाम ऐसे बोल के कि कनिका प्लेस में उनका सब्सक्राइबर्स हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये वो भी मेरे सुपरवाइज़र के सामने, मतलब जैसे हम एनओ हैं एसएनओ हैं, उससे भी ऊपर जो सुपरवाइज़र होते हैं जिनके हाथ में होता है कि हाँ आपको इधर इधर शिफ्ट करना है, आपको उधर शिफ्ट करना है, उनके सामने ये सब चीज़ें बोल दी। और या आई नो कि आपको भी पता नहीं होगा कि वो मेरे सुपरवाइज़र कुछ भी है, बट गाइस वर्क प्लेस डिफरेंट होता है। आप कभी किसी के वर्क प्लेस में प्लीज़ इंटरफेयर मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और इसी की वजह से ये इंसिडेंट 2-3 बार रिपीट होते गए, तो या मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। और मैंने भी कभी ये चीज़ें अपने आपको नहीं बताया कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ, एम्स पटना काम कर रही हूँ। एम्स पटना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो या उसमें काफ़ी जगह होंगे, आईसी होगा, ओटी होगा, वार्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे, बट मैंने कभी आपको ऐसे बोला नहीं कि मैं कहाँ काम करती हूँ। बट आप ढूंढ डांट के वो जगह आ गए और ऐसे ऐसे बोल दिया, तो जिसके ऐसे भुगतना मुझे पड़ा। मैंने ये चीज़ कभी आपको बताई नहीं कि डिपार्टमेंट चेंज होगा। ठीक है, सब्सक्राइबर्स होने लगा होगा, मिलना है तो आ गए, ठीक है, एक बार चलेगा, दो बार, तीन बार, जब रिसेंटली फिर से हुआ कि वो दोबारा उस प्लेस में चले गए जहाँ मैं पहले थी कि मुझे कनी कभी से। तो गाइस आप समझ सकते हो कि कितना, मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में, ये जॉब मेरी टर्मिनेट भी हो सकती है। आपको ये चीज़ थोड़ा मजाक लग रहा होगा, थोड़ा लाइट ले रहे होंगे कि हाँ चले गए तो क्या हुआ, मिल गए उनसे, ये वो, मिलना चाह रहे थे हम सब्सक्राइबर्स, हमारा मन कर रहा था मिलने का, ऐसे हम चले गए। बट ऐसे नहीं होता है। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वो बहुत, आप समझते हो, बहुत क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ ऐसे वर्क प्लेस में इंटरफेयर करना या आना मिलना बहुत सेंसिटिव होता है गाइस। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि हाँ मैं जब अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अपने यूट्यूब से अलग कर रही हूँ, तो आपको भी वो चीज़ मेंटेन करके रखनी चाहिए। इन सब की वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ी मेरे सुपरवाइज़र से, मेरे सीनियर से, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वो चीज़ समझती हूँ। आई होप कि इस वीडियो के बाद वो चीज़ें रिपीट ना हो, और मेरे नहीं, किसी भी, अगर आप कोई भी यूट्यूबर है वो या मेडिकल प्रोफेशन में है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप उनके वर्क प्लेस में जाके उनसे मिलो या कुछ भी करो। ये चीज़ें आपको नहीं पता, बट बहुत ही सीरियस होती है। इसकी वजह से उस इंसान की जॉब भी चले जाती है, और ये जॉब मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है। इस जॉब से मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं अपनी, और मैं नहीं चाहती कि
ये जॉब मेरे इन चीजों की वजह से टर्मिनेट हो। आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया आपको कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन सब चीज़ों को लेकर। सो आई होप कि ऐसा दोबारा ना हो, और या कहीं हद तक मैंने इग्नोर किया है, बट या इट्स हाई टाइम, इसलिए मैंने ये सब वीडियो ऐसे ही बनाए और आपको बताया। सो गाइस प्लीज, दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, और आई नो आपको बुरा लग रहा हो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक इंसान की जॉब जा सकती है जो उसको बड़ी मुश्किल से मिली है। सो इस इंसान के लिए प्लीज़ ये चीज़ें दोबारा प्लीज़ रिपीट मत करना। और आई थिंक इस जो स्टेट में, बिहार जो मैं स्टेट में रहती हूँ, वहाँ मैं चीज़ें काफ़ी सोच समझ के करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें मतलब ऐसे बोलते बोलते कहीं बता ना दूँ क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, ये या जो भी सेफ्टी होती है अपने हाथों में होती है, इसलिए मैं ये चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी, क्या कर रही हूँ। ब्लॉग्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, तो इसलिए से पता नहीं चलता, मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा, बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम पे कि ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब आपको समझना चाहिए ना कि अगर वो इंसान नहीं बताना चाह रहा कि मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, या वो सेफ्टी इश्यूज को लेकर नहीं बताना चाह रहा हो, बट आप फिर भी आ जाते हो। सो प्लीज़ ऐसा मत करना। दैट्स इट, मुझे इतना ही बोलना था। तो बाय एंड टेक केयर।